Delivery! 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 Oh! Hello! Hi! Oh! Delivery! Delivery! Yeah, delivery! Delivery! तेरी खुद की delivery है जो तेरा चला रहा है. Delivery! Delivery! क्या ये? देखिए सर. सर 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 सर. मैं इस टाइम मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ. तू लगता है दूसरे चैनल से है? ये वाले चैनल पे इस समय सारे मजाक के मूड में होते हैं. वाह सर वाह, बहुत फनी हो आप. ये सामान पकड़िए और मेरे पैसे दे दीजिए. मंगाया किसने भाई ये? अरे क्या सर वो पांच कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न के डिब्बे. मेरा सामान आ गया. अरे रे 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 रे. वाह 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 वाह. लो जी मेरा सारा सामान आ गया. थैंक यू फॉर द गिफ्ट कपूर शर्मा. गिफ्ट किसने मंगाया ये? तू मेरी छोटी साली है, मुझे तेरे को गिफ्ट दूंगा मैं. और तूने पॉपकॉर्न कब से खाने शुरू कर दिए नेवले के मुंह वाले? दे पैसे, पैसे दे उसको. यार अजीब दोस्त है तू. लोग दोस्ती के लिए जान दे देते हैं, तू बिल नहीं दे सकता? क्या यार मेरी बात सुन. तूने सारी कहावतें लेने लेने वाली सुनी, देने वाली कोई कहावत नहीं सुनी. सुनी है ना, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. आए, आए। सर 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 क्या? मुझे ना ये आदमी बहुत ही ज्यादा बेशरम लग रहा है. आप ही पैसे. ओए हेलो, किसको बोला बेशरम बे? कितने पैसे है तेरे? तेरे मुंह पे मारूंगा मैं पैसे. सर 5000 रुपए. 5000? पहले क्या बोला था? बेशरम. वो ठीक है, वो अपने को सस्ता पड़ रहा है. देखा आपने, हॉलमार्क वाला बेशरम है ये. आपको पता गूगल पे आप जाके बेशरम रंग सर्च करो, दीपिका पादुकोण से पहले इसकी फोटो आती है. एक बात बता मेरे को, तुझे गुस्सा इस बात का कि मैं बेशरम हूँ या इस बात का कि दीपिका से पहले मैं आ जाता हूँ? इस बात का गुस्सा? मुझे इस बात का गुस्सा कि सरकार ने ऐसे आदमी को पीटने के लिए भी सजा रखी है. वरना इसकी पिटाई तो जन कल्याण योजना के अधीन आनी चाहिए. इसकी हरकतें ऐसी है, आपको मैं बता नहीं सकता. ऐसी गंदी हरकतें करता हूँ, बता ही देता हूँ मैं. इसकी बहन की शादी थी, इन्होंने शादी के आगे वो कार के आगे सिक्के नहीं लुटाते, इसने सिक्के गर्म करके लुटाए ताकि कोई लूटे ना. फिर वहां बैठा रहा, मैं क्या कर रहा है? कहता ठंडे होने तो सारे सिक्के उठाने हैं. अच्छा वो जब इसने सिक्के लुटाए ना, एक 5 का सिक्का बकरा खा गया. फिर ये उसके पीछे पीछे मटन वाली शॉप के पास जाके आता, ये बकरा आपका? कहते हाँ. कहते क्या भाव लगाया? कहते 2 रुपए किलो मटन. कहता 195 लगा लो, 5 महीने एडवांस दिए उसके. ये इतना गंदा आदमी है ये. दामाजी, दामाजी, अरे दामाजी, 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 डॉक्टर को जल्दी फोन करो. क्यों? डॉक्टर बुलाओ, आधा घंटा हो गया, मुझे भूख ना लग रही, कुछ खाया ना जा रहा. नहीं तो ये आधा घंटा पहले जो आलू वाले परोठे ठूस ठूस के खाए, यहाँ तक मुझे आलू दिख रहा है. भूख नहीं लगती बेशरम कहीं के. छी 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 छी, इससे ज्यादा भूखे लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे. क्यों रे, तूने आईना देखना बंद कर दिया है क्या आजकल? बात कर रहे हैं. कॉलेज से आया बड़ा. अरे चलो, मैं तो सिर्फ 2 साल से ही खा रही हूँ. तू तो दामाद जी के यहाँ 50 साल से खा रहा है फ्रीका. ओ उम्र मेरी 40 साल है, 50 कैसे? अरे तो अगले 10 साल में कौन सा तू बिल गेट हो जाएगा? बताओ. अरे खाएगा तो दामाद जी की यही मांग मांग के. देखिए सर, अब ये मेरा बिल क्लियर कीजिए, मैंने कहीं और भी डिलीवरी करनी है प्लीज. कितना है बिल तुम्हारा? 5000 सर. मैं तुम्हें 10000 देता हूँ, दोनों को बोरे में डाल, रास्ते में समंदर में डिलीवरी कर देना इनको. दफा हो जाए यहाँ से. कपूर शर्मा, अभी तक ऐसा कोई समंदर नहीं बना जो राजू को डुबो सके. ये बात तो इसकी ठीक है. ये समंदर के अंदर गया, लहरें आदमी को बाहर नहीं उछालती, इसको बाहर उछाल के लहर करती. एक मिनट, ये तो हमारे घर की बात हो रही है, तू क्यों हंस रहा है? अपना सामान ले, निकल यहाँ से. यार पैसे देने नहीं है तुम लोगों ने, कहीं और तो भेज. हमारा फैमिली बात है. वाह, ले बताओ, हमारे होते हुए हमारे दामाद जी को कोई दूसरे लोग चूना लगा रहे हैं? लानत है हम पे. सॉरी दामाद जी, सॉरी. वो फुलो फुलो में मुंह से निकल गया गलती से. गलती से? किसी दिन गलती से घर से क्यों निकल जाती है आप लोग? क्या मुंह देख रहे हो? दामाद जी, बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो. हेलो. बाहर वाला कौन? हम लोग बचपन से एक दूसरे के घर में खाते रहे हैं. ओए बकवास ना कर, एक दूसरे के घर में. हाँ एक तो ये हो गया, दूसरा कौन था ये? इतना बेशर्म आदमी, ये बीमार हो गया. डॉक्टर ने लिख के दिया कि सिर्फ घर का खाना खाना है. कहता जाए घर का काट दे, कपू घर का लिख दो. हमारे घर में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. अरे दामाद जी, ये तो हमारी ब्रीड का निकला. अरे राजू तो पिछले जन्म में मेरा बेटा था क्या? मैं ना आम की गुठलियों घर में पैदा नहीं होता, इससे अच्छा मैं किसी लंगूर के घर में पैदा हो जाऊं.
आपकी हंसते ऐसी ऐसे लोग हमें बातें सुनाते हैं। उस दिन मेहमानों के सामने क्या जरूरत थी पैर में केला फंसा के छीलने की? क्यों करती हो आप ऐसी हंसते? कपू, ये पीछे मॉल है ना? हाँ। उसमें ना एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। मैं तो कहता हूँ सास को दे के ना एक प्रेशर कुकर ले, कम से कम आलू उबालने के काम तो आए। अच्छा, मेरे एक्सचेंज में प्रेशर कुकर मिल रहा है? हा? अरे तेरे एक्सचेंज में तो प्रेशर कुकर की सीटी भी ना मिलेगी। ये ना तुम कप्पू की सास हो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता। अगर मेरी सास होती ना तो बताता तुम्हें मैं। अरे तेरी सास तो तब होती ना जब तुझे कोई अपनी लड़की ब्याहता। जी लड़की वाले से देखने आए, इसने कहा ठंडा लोगे? उन्होंने कहा नहीं डंडा लेंगे और वो मारे थपा दे साथ में लेगी। उन्हें बताया ना? ये वाला नहीं मैंने बताया, मैंने वो वाला बताया था। ये जब लड़की देखने गया ना तो लड़की वाले अपने कुत्ते पे भड़क गए, कहते तेरे को इतना ट्रेन किया फिर भी ऐसे लोग अंदर आके बैठे, गेट पे क्यों नहीं काटा? जा अपना काम कर जाके। अच्छा ये लड़की देखने गया ना? एक मिनट, ये कहीं लड़की देखने नहीं गए, हम अपनी लड़की खुद लाए ना दिखाने के लिए और वो भी खुशी खुशी। अब बोल। लड़की तो तुमने उसे बड़ी क्यारा अडवानी दी है ना? ये बड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा हो रहे। सॉरी सॉरी दमाजी, सॉरी सॉरी, वो इसको कुछ जवाब देना था ना इसलिए मुंह से फुलो फुलो में निकल गया, वरना आपको तो पता ही है मैं तो हमेशा से आपकी साइड हूँ। सर ये आपका पार्सल आया है। आया पार्सल? अब मैंने क्या मंगा लिया बे? अब मैंने क्या मंगा लिया? मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। ये मैंने मंगवाया ब्यूटी का सामान है, मेकअप का ग्लो के लिए। एक मिनट, 35,000? भैया 35,000 का सामान आपने मंगाया मुंह पे ग्लो के लिए? ये होल्डर जैसे मुंह पे बल्ब लगाओ तब जाके ग्लो आएगा। पैंतीस हजार का मैंने नहीं देना, 35,000 रुपया तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों के पैसे देता देता। वाह, 35 रुपए पे मुंह पे आपको 35,000 का सामान लगवाना है? क्या बोला तूने? 35 रुपए का मुंह? ये 12.5 रुपए के मुंह को तू 35 रुपए का बोल रहा है? नहीं नहीं देख भाई, मुंह 12.5 का ही है, बाकी 22.5 मैंने इस फूल बत्तियों को लगाए थे। पानी तो आया बड़ा, इसलिए मंगाया था ये सारा सामान। बताओ वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी ना उसके लिए। तो ये तुम दोनों मियां बीवी को मैंने गोद लिया हुआ है, जाके अपने पति से पैसे मांगो। नहीं नहीं दामाद जी, पिछली बार मैं लेने गई थी ना कोल्ड ड्रिंक तो फिर क्या हुआ? बबलू हो गया था। अयो इस बार के पैसे आप दे दो। कपिल खबरदार जो तूने पैसे दिए तो देख, आज तुझे सास और दोस्त इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाय हाय ठीक है मैंने चुन लिया, मुझे दोनों नहीं चाहिए, चलो तू भी निकल। दामाद जी आप भूल रहे हैं हमने आपको अपनी बेटी दी है। एक काम कर इसकी बेटी भी ले जा चलो। दामाद जी मैंने ऐसे ऐसे दामाद देखे जो अपनी सास के लिए 35 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे ऐसे दामाद देखे जो अपनी सास को नहर में धक्का देते। दूं आपको मैं। सर हमारे पैसे दे दीजिए, बोनी का टाइम है सर। एक मिनट, कैसी बोनी का टाइम है रे? यूं बता तुझे इससे बढ़िया बोनी क्या होगी कि तू शो पे आ गया। तुझे पता है हमारे दामाद जी इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, अमेरिका में लोग लाखों का टिकट ले रहे हैं इन्हें देखने के लिए। हाँ अरे तेरे 35,000 खर्च हुए हैं, बाकी तेरे 65,000 बचे ना वो निकाल निकाल रहा है कि निकल रहा है यहाँ से। शुक्र करो उनका झूला निकला साथ में। पानी तो क्या चाहिए अब आपको? अच्छा मेरी एग्जिट है? नहीं एग्जिट नहीं है, इधर आओ अपनी लाइन बोल के जाओ। आना खिला दो वाली। मेरा मेकअप का पार्सल। दामाद जी मेरा पहला मेकअप का पार्सल अधूरा रह गया रफत भी। आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, अरे इसी खुशी में मुझे कुछ मंगा के खिला दो। शर्म नहीं आती आपको सासुमा? जब आई थी कटोरी जैसी थी आप, अब देखो कढ़ाई जैसी हो गई खा खा के। दामाद जी जब कढ़ाई बोल ही दिया है तो कढ़ाई पनीर बनवा दो। यार कपूर शर्मा एक चार नान मेरे भी लगवा दो फिर। इधर ही लगाऊं? नहीं अंदर जाके लगाऊं? मेरे मेरा दामाद जी, दामाद जी मुझे तो एक आधे घंटे से भूखी ना लग रही, डॉक्टर को बुलाने आई थी ना मैं। तमीज लोग मेरी जॉगिंग खराब कर दी।
आपके प्यार के लिए धन्यवाद. प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए. दोस्तों आज हमारे सीजन का जो है फिनाले एपिसोड है. आप लोगों ने इतना प्यार दिया, शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर. सोनी टीवी ने इतना प्यार दिया और सोनी टीवी ने अर्चना जी को तो प्यार के साथ साथ पर लाफ्टर 5,000 रुपया भी दिया है. ये घर जाकर रोज हिसाब लगाती है. आज मैं 6.5 लाख का हंस के आई हूँ. इनको इतनी आदत हो गई है, कोई वैसे भी पार्टी में इनको कोई चुटकुला सुना था उससे भी 2,000 मांग रही थी. वो आदमी कहता मैडम आप बीच में खांसी भी थी तो 200 काट लो उसका. मतलब जोक सपाट. हम लोगों ने 10 साल पहले ये शो स्टार्ट किया था. साल बदल गए, चैनल बदल गया, कई तो आर्टिस्ट भी बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आप लोगों का प्यार. तहे दिल से शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए. मेरी सारी किश्तें चुक गई. दिनेश का स्कूटर भी लोन फ्री हो गया. कहने का मतलब सभी के लोन चुक गए और एक आर्टिस्ट का चुक नहीं रहा था, वो फिर चलते सीजन में आया. और किकू भाई का तो मैं क्या कहूँ, ये इतने प्यारे इंसान है. चैनल अगर डिस्काउंट मांगे 10% डिस्काउंट दे देते, लेकिन एपिसोड 100% करते हैं ये. ये ईगो नहीं रखते, सिर्फ बैंक बैलेंस रखते हैं किकू भाई. किकू भाई आप देखते हैं, आप इतने कमाल कमाल के कैरेक्टर करते हैं, इतनी बार लेडीज बन चुके हैं ना. ये मेट्रो में चढ़ते हैं ना, इनको देख के लेडीज अपनी सीट से उठ जाती है. आइए बहन जी. मेरा दोस्त राजीव, इनके लिए जोरदार तालियां. बहुत ही बैठो बैठो, तुम्हें ऑस्कर नहीं मिल रहा है. ये बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है राजीव. अभी तक आपने इनका पूरा टैलेंट देखा नहीं क्योंकि इनका मैक्सिमम कट जाता है तो लेकिन ये मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है. क्या क्या नहीं बना इस सीजन में आप देखिए. कभी पुष्पा बन के आया, कभी सिल्वर स्टैच्यू, कभी मिथुन दा, कभी शाहरुख. इसने ठान लिया है कि जब तक मेरे से ठीक नहीं होगा मैं ट्राई करता रहूंगा. ऐसी हमारी शुमोना है, आप देखिए 10 साल से हमारे साथ है. इसकी अच्छी बात यह है कि ये हर रोज सीखती है लेकिन अप्लाई नहीं करती. चलो अपना अपना स्वभाव होता है. और हमारे बीच हमारी मंजू जी जो बैठी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां. बड़ी कमाल की अदाकारा है ये. इतनी कमाल की एक्टर है, इनको पूरा याद रहता है कि कहां कहां भूलना है. अतुल सर हमारे बड़े प्यारे एक्टर हैं. अतुल सर मुझे कह रहे थे कि शो में आप लोगों ने बताया कि मेरे 9 बच्चे हैं. बोलते अगर मेरी बीवी अच्छी होती तो 12 भी मान लेता, लेकिन ये. और विकल्प साहब बैठे हैं, ये इनके लिए भी जोरदार तालियां. ये देखिए आप, ये हमें अक्षय पाजी ने गिफ्ट किए हैं. बोलते मैं बिजी रहता हूँ, हर जगह आ नहीं सकता, तो इससे काम चला लिया करो. पूरे हमारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. लेकिन ये सीजन बड़ा ही कमाल का रहा है अर्चना जी. आपको पता कितने कितने दिग्गज लोग अलग अलग फील्ड से आए. क्रिस गेल और ब्रेटली ने आके हमें कितना हंसाया. इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी से मिलकर पता चला कि वो सोशल वर्क तो करती हैं, साथ में मजाकिया बहुत है. यही नहीं, चाहे मोटिवेशन स्पीकर्स हों, रेडियो के माने हुए आरजेज हों, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हों, सभी ने हमारे शो पे आके बड़ी धूम मचाई. कुल मिला के सीजन बड़ा यादगारी रहा. बस एक शख्स को बुलाना रह गया, हमारे प्यारे सिद्धू साहब. तो और दोस्तों इस एपिसोड के बाद हम यूएसए जा रहे हैं. अर्चना आप भी तो वहां जा रही ना, काम ढूंढने. मैं मजाक कर रहा हूँ. देखो जो आदमी काम कर रहा होता है ना उसके पास सिर्फ एक काम होता है, लेकिन जो वेले लोग होते हैं उनके पास 50 काम होते हैं. आप देखना कभी कभी ऐसे हमारे देश में बड़े लोग हैं. और नहीं तो ट्रेन निकल रही तो उसके डिब्बे की नजर 1 2 3. ये तो हो गए सीनियर वेले. कुछ जूनियर वेले होते हैं, वो पुल चढ़ रहे हैं ना, पुल चढ़ रहे हैं तो चढ़ते चढ़ते उनकी सीढ़ियां गिनने लगते हैं 1 2 3 4. ज्यादा वेले होते तो उतरते वक्त भी गिन लेते हैं, उतरते हुए इतनी है. मैंने बड़े बड़े वेले देखे हैं, कई तो इतने वेले होते हैं ना सड़क पे कुत्ता जा रहा ना उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ जा कहाँ रहा है ये कुत्ता. तो कुत्ता है वो करके वापस आ जाता है, फिर उनको लगता है कहीं गया ही नहीं. कई मैंने इतने वेले देखे ना, चीटियां जा रही होती ना लाइन में आके उनका रास्ता रोक लेंगे. चीटी भी जा रही घूम के इधर से आती करते पता नहीं कौन से काम. कई लोग टेबल पर पानी गिर जाता ना फिर उंगली से रास्ता बना के देते कहाँ गिरता है. देखो अर्चना जी मैंने 50 काम बता दिया आपको, जो अच्छा लगे कर लो. तो देखिए आजकल OTT का जमाना है, वेब सीरीज वाले खाली रहने नहीं देते. एक सीरीज खत्म होती है उसका दूसरा सीजन आ जाता है.
ऐसी कमाल की सीरीज आई थी नाइट मैनेजर. अब उसका दूसरा पार्ट आ गया. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट एवर ग्रीन ग्रीन ही नहीं एवर पीच एवर ब्लू कलरफुल सुपरस्टार मिस्टर अनिल कपूर. द हैंडसम बॉय मिस्टर आदित्य रॉय कपूर. मिस्टर रवि बहल सोभिता धुलीपाला एंड तिलोत्मा शो. वेलकम तिलोत्मा. जीते रहो द नाइट मैनेजर की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां. अनिल सर पिछली बार जुग जुग जियो के लिए आए थे तब हमारा सीजन का लास्ट एपिसोड था. आज ही आए आज भी हमारे सीजन का लास्ट एपिसोड है. आप फिनाले के शौकीन हैं या आपको दूसरों का काम बंद कराने में मजा आता है? जोक्स बात अनिल सर हमें बहुत प्यार करते हैं और इनकी एनर्जी ऐसी है ना पूरे शो में जान आ जाती है. वरना मजा आ कोई आदित्य को हंसा दे. आदित्य रॉय की खुद की एनर्जी ऐसी है वरना मजाल है कोई सोभिता और तिलोत्मा को हंसा दे. तो देखिए हमारा ऐसा ही हम एक दूसरे से ह्यूमर निकालते हैं. हमें बाहर से सब्सिडीज मिलती नहीं है तो ऐसी ही बातें करेंगे हम. आइए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. अच्छा नाइट मैनेजर में भी अनिल सर का आप लुक देखो हमेशा की तरह कमाल है. चाहे सूट में हो चाहे नाइट सूट में हो सर बड़ी इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी आपके. मैं देखा इंटरनेशनल. सीरियसली सर नाइट सूट में तो नहीं था मतलब इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी सीरीज में सर. कमाल लग रहे थे आप. अच्छा खर्चा ही बड़ा किया आप लोगों ने. इधर से उधर दो कदम जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे सर. हमारे कलाकार आज तक ट्रक वालों से लिफ्ट मांग मांग के आ रहे हैं. तो ये जो सर आपके इतने स्टाइलिश आपने कपड़े वपड़े पहने हैं उसमें ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी? ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपकी डिमांड थी ये कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा? ये मेरी डिमांड थी. बड़े ही हॉट लग रहे सर आप. थैंक यू. मैं मैंने सलमान साहब के साथ फिल्म की जी. तो मेरे जब कपड़े का बिल आया तो काफी था जी. तो बोले यार इतना तो मेरे पूरे करियर में इतना कपड़ों का बिल नहीं आया. बनता है सर आपका. मैंने बोला यार तू इतना गुड लुकिंग हैंडसम आदमी है खाली जींस और टी शर्ट में तो ऐसा पता लगता हमको कपड़े पहन के थोड़ा. अरे सर ये तो आप इसलिए बोल रहे ताकि मैं दोबारा तारीफ करूं. सर क्या लग रहे हैं आप. पर अनिल सर ने 2022 में थार की जिसमें ये रेगिस्तान के सूखे में फंसे हुए थे. फिर जुग जुग जियो में पंजाब में ये इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. अभी नाइट मैनेजर में आप देखो एक्जॉटिक लोकेशंस पे इनका बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक अवतार जो है देखने को मिला है. सर ये महज इत्तेफाक है या थार करते हुए होठ ज्यादा सूख गए थे आपके जो आप इसमें कंपनसेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा मेरे. थार में थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई रोल था तो मतलब इसको मैंने इंसिस्ट किया डायरेक्टर को राइटर को यार एक आध यू नो सुमिता जी के साथ थोड़ा रोमांटिक सीन होना चाहिए. नहीं पर बहुत बहुत कमाल की सीरीज है सर. हमने ना एक बात सुनी है पता नहीं कहाँ तक सच है कि पहले नाइट मैनेजर में ना अनिल सर नेगेटिव किरदार करना नहीं चाहते थे. फिर प्रोड्यूसर्स ने जब इनको उनका पॉजिटिव साइड बताया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड सोभिता होंगी फिर इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी कहते हाँ मैं करूंगा. तो सर ये कितना सच है सर इस अफवाह में? ये 100% बहुत इसमें है सर. और वाकई में इतनी कमाल की ये सीरीज है इसमें अनिल सर का और सोभिता का जो धुलीपाला है आई मीन इनका जो केमिस्ट्री है बड़ी कमाल की है. तो सुभिता आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा ही हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं. आपको पता है डोरेमोन में जो एक करेक्टर है नोबिता वो बच्चों में बड़ा फेमस है. जवानों में सुभिता बड़ी फेमस है आजकल. बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप. ये हमेशा हमारे शो पे चार लोगों के साथ आई हैं. पिछली बार PS1 की टीम के साथ आई थी. इस बार भी ये नाइट मैनेजर की टीम चार लोगों के साथ ही आती है. आपके मन में क्या चलता है कि अगर मैं अकेली चली गई तो चार लोग क्या सोचेंगे? आप कभी कभी अकेली भी आ जाया करो हमारे शो पे मतलब अच्छा लगता है. अरे आपके लिए ज्यादा क्या मुश्किल था नाइट मैनेजर में? आपका आपका अपना किरदार निभाना या कपूर साहब के सामने यंग दिखना? वो ही तो है. वही टफ था पर मलंग में प्रैक्टिस मिला तो आई गॉट अ चांस टू यू नो हाउ इट्स डन. पर फिर भी आई फेल नाउ क्या करें. नो, आई फेल. तिलोत्मा जी बोल रही थी कि मैं जैसे डायलॉग बोल रही थी तो डायलॉग बोल रही थी. शी फॉरगॉट टू स्पीक द डायलॉग. नहीं ये क्या हुआ अभी एक जर्नलिस्ट मुझे पूछ रहा था कि आदित्य रॉय कपूर इतने गुड लुकिंग है. मैंने कहा हाँ.
तो जब आप उनके साथ सीन कर रही थी तो आप तो लाइन जरूर भूल गई थी। आप ऐसा नहीं, इतना भी गुड लुकिंग नहीं है कि मैं अपने लाइन भूल जाऊँ। मतलब बोलो। पर आदित्य देखिए, आप बैचलर हैंडसम बॉय, कितनी लड़कियों का क्रश है इनके ऊपर। ये देखो अपनी लास्ट फिल्म में ये गुमराह में पुलिस को गुमराह कर रहे थे, इस सीरीज में ये अनिल सर को गुमराह कर रहे हैं। तो अर्चना जी के पीछे जो पांच लड़कियां बैठी हैं वो ये जानना चाह रही हैं कि वो आपसे कोई उम्मीद रखें या आप उनको भी गुमराह कर रहे हैं। मतलब रखिए रखिए, हैं रखना चाहिए तो आप उम्मीद रख सकते हैं। तिलोत्मा, आपने इनको अलग अलग वेब सीरीज फिल्मों में देखा, इतनी कमाल की एक्टर हैं। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू। तिलोत्मा, मैंने आपकी एक सीरीज देखी, मैं नाम भूल गया, उसमें जो हथौड़े से बंदे मार रही हैं आप, जी क्या बात, ओहो नफरत हो गई आपका करेक्टर देख के। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू जी, मतलब इतना कमाल का किया आपने। जी जी। तो तिलोत्मा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, तिलोत्मा में जो आपका तिलो है वो कितने तिलो का है? ये बड़ा यूनिक नाम है। तिलोत्मा को ना ब्रसल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में फिल्म सर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल में इनको फिल्म राहगीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और आज तो कमाल ही हो गया, सीधा कपिल शर्मा शो में। मतलब क्या कहना चाहेंगी इस सफलता के बारे में आप? देखिए, हूँ देसी तो मतलब यहाँ इज्जत मिल रही है तो बस सब कुछ मिल गया यार। हाउ स्वीट, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग तिलोत्मा जी, शुक्रिया। दो चाय मेरे लिए एक। अच्छा सर, ओ यार मैं तेरे को देखा नहीं था अच्छे कपड़ों में, सॉरी। हेलो सर, हेलो हेलो सर, हेलो मैम, आई एम योर नाइट मैनेजर, एनी प्रॉब्लम्स? यस यू, यू आर अवर प्रॉब्लम। अब तेरे घर वाले ने तुझे घर में रखते, तुझे नाइट मैनेजर किसने रख लिया बे? यार कभी थोड़ा सा तमीज से रहा करो। हाँ। आज मैं आदित्य राय कपूर से इंस्पायर होकर नाइट मैनेजर बना हूँ। Just like handsome, handsome. तो सोभिता धुलीपाला से भी इंस्पायर होके मुंह भी धुल लेता थोड़ा। अनिल सर, आपके दोस्त यहाँ पर आते हैं ना, आपकी इतनी तारीफें करते हैं, और ये मेरा एक दोस्त देख लीजिए। तेरा एक दोस्त है? तेरा एक ही दोस्त हूँ मैं, बाकी उन्होंने बैठ कर रखा, बाकी उन्हें अपने बच्चों को ट्रेन कर रखा कि जब भी अंकल आए इनकी चाय में थूक देना। सर मुझे इसे दोस्त रखना ही नहीं है। सर अनिल सर, एक रिक्वेस्ट है, वो टाउन साइड आपके ऐसे कोई अमीर दोस्त हो तो मुझे एक दोस्त ऐसा दे दीजिए। टाउन में ऑटो और ये वाला मुंह दोनों बैन है, पहली बात। आदित्य आप जिम में 100-100 किलो उठाते हो, ये 65 किलो का, इसको उठा के कहीं लेके क्यों नहीं जाते आप? तुझे वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुझे पता जब तेरी एंट्री होती ना सारे कैमरामैन चाय पीने जाते हैं, तेरा कुछ भी शूट नहीं करते हम लोग, तो हम आपस में करते हैं। तभी मैं सोचूं इतने दिनों से मैं शो कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं यार? इसको ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम सर, इसको इसी शो में आना, मैंने इसको इतने अच्छे अच्छे काम लगवाए, फिर मैंने एक जॉब ढूंढी है। अभी बारिश होने वाली ना, मेंढक कूदते हैं, उनके घुटनों में दर्द होती है, उन्हें मेंढकों के घुटने ढूंढ ढूंढ के मसाज करनी होगा। अगर तेरे को नहीं पसंद है तो बता। नहीं नहीं, तुम्हारे जो मेंढक हैं बैंकों का है, मुझे उन्होंने मसाज करनी है। तेरे एक और काम है, गवर्नमेंट जॉब है, सीलिंग देखा तूने, इसके नीचे से मछलियां निकलती हैं, उनको फास्ट टैग लगाना ताकि टोल दे के जाए। तो अगर हाँ कर, मैं तेरा काम पे लगवाऊं। अनिल पाजी इतने अजीब अजीब काम देता है, परसों मुझे पता क्या कह रहा था, कहता जो बुजुर्ग छिपकलियां हो जाती ना उनकी पकड़ हो जाती कम, तो वो नीचे गिर जाती है, तूने उनको पैराशूट लगाने हैं। तो क्या बुरा काम है इसमें? बुरे यार कोई ढंग का काम दो, इतना बड़ा शो चला रहे हो, शो में काम दो मेरे, शो में दे देते तेरे। हाँ। जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं ना, यस यस, हाँ, और एसी की वजह से उनके घुटने वो हो जाते, ठंडे हो जाते थोड़े, उनके पैरों को तूने मुंह से गर्म करना। मैं काम देता हूँ, करता नहीं है ये। अनिल सर मैं आपके पद चिन्हों पे हूँ, आपको लगता है इतना हैंडसम आदमी ये काम करेगा, ऐसे ऐसे करता अच्छा लगता है? लो भी अब की इसने मार खाने वाली बात। ये हैंडसम फेस ये लड़की देखने गया सर जी, तो इसके मम्मी डैडी कहते हैं बेटा हम लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, तुम खुल के बोलो, शर्माओ नहीं, कुछ भी बोल सकती हो। कहती अच्छा गेट आउट। भगाया इनको। ये लड़की देखने गया, लड़की के बाप ने 101 रुपया दिया, कहता नहीं अभी तो रिश्ता तो होने दो, कहता बेटा नहीं, कहता मैंने लड़की ने देखी नहीं, कहता लड़की ने ऊपर से तुम्हें देख लिया, ये तो वापस जाने का किराया दे रहे हैं हम। स्वागरात वाले दिन इसकी बीवी गर्म पानी ले आई, कहता अरे गर्म दूध लाते, कहती नहीं नहीं मुंह धुलो अपना। यार मेरे से तो बात ही मत करना, इतने बड़े बड़े लोग आए आज मैं इनसे बात करने आया हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग आए तो क्यों इतना छोटा मुंह लेके आया था? मुझे उनसे बात करने दे। यार मैं कर लूंगा तो कुछ। सर मेरा इधर होटल है, सो आई एम द नाइट मैनेजर देयर, तो मेरे पास अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, ताकि आप अगली बार आओ तो प्लीज मेरे होटल में आइएगा।
ओके ठीक है। क्या बात है, क्या बात है अनिल जी, आए हुए यार। मजनू भाई नमस्कार। आदाब आदाब। दिन ब दिन जवान होते जा रहे, मेरे को लगता है इनके हाथ में कोई स्कीम लगी है। 21 दिन में जवानी डबल हो जाती है। लेकिन सर आपकी इस वजह से आज की जनरेशन को तीन चीजें कभी देखने को नहीं मिलेगी, डायनासोर, एलियन और अनिल साहब की टमी। आदित्य जी फिटनेस में तो आपका भी कोई सानी नहीं है, कमाल की फिटनेस है आपकी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुझे मुझे ना कुणाल रॉय कपूर की फिटनेस ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब है वो है, कमाल के सिक्स पैक्स हैं उनके, जो शर्ट पहनते हैं वो भी। क्या बोल रहे हो, मैं कपूर से कपूर को जला रहा हूँ यार। शुरुआत हमारी होती है असली वाले अक्षय पाजी से, सीजन खत्म होते होते हमारा बजट फिर आप। देखो उनकी प्रमोशन तो सब कर रहे हैं, आप मेरे होटल की प्रमोशन करो ना, उसको रिनोवेशन की जरूरत है। साउंड लगे मुझे, बॉडी लैंग्वेज से दिमाग खराब हो गया मेरा। अनिल साहब मकड़ी आती है जाला लगा के जाते हैं, इसके होटल में मकड़ी आती है थप्पड़ लगा के जाती है। रवि साहब yes, इनके रूम में इतने सस्ते और घटिया किस्म के रूम है, चूहे नाचते हैं इनके रूम में। साहब आप बताइए 600 रुपए का रूम है, उसमें चूहे नाचेंगे और क्या, नौरा बताइए नाचेगी आके। जिस तरह से आपने देखा इस जोक में नोरा फतेही की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन भाई साहब को नोरा फतेही चाहिए, है? नोरा फतेही चाहिए। मजा बड़ा आता है। ये मजा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आदित्य जी आपको बताऊं सबसे खराब होटल है इनकी, क्योंकि रात को 9 बजे कोई सोता नहीं है, 4 बजे सुबह कोई उठता नहीं है। क्या होटल है? 4 बजे ना आप उठते हो, हमारे तो सूर्य भी ना 6 बजे उठते हैं। हाँ वो मैंने पेटिशन डाला है, सूरज भगवान 2 दिन बाद 4 बजे आएंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट नहीं उठाऊंगा, वो यहाँ आते हैं रिलैक्स करने। कैसा रिलैक्स, कहाँ का रिलैक्स, 12-12 बजे तक चेकआउट करते हो, फिर कैसे रिलैक्स होंगे लोग, कैसे जल्दी उठेंगे। सुबह 4 बजे का चेकआउट रखो, फिर देखो 2:30-3 बजे कैसे उठते हैं लोग। तुम दोनों ने आपस में करना था तो पीछे कर लेते, आगे क्यों आए थे लगे हुए। सर मैं आपको बताऊं इन्होंने हर कमरे में टीवी लगवाया हुआ है, टीवी हटाओ हर कमरे में से। अच्छा हाँ क्या लगवाएं वहाँ? CCTV। तो गेस्ट का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? गेस्ट का एंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन जो बाहर लोग फुटेज देखेंगे उनका कमाल का एंटरटेनमेंट होगा। एक्चुअली अनिल सर क्या हुआ, 10 बज गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं, एक्चुअली ये सो जाते हैं 9 बजे, आप 1 घंटा लेट हो गए हो। वो तू असली वाले की बात कर रहा है, मैं तो 12-1 बजे सोता हूँ रील्स वगैरह देख के। अभी तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे को तेरी होटल वोटल में नहीं रहना, तू जो पैसे दिए थे मैंने वो वापस दे दे, मैं चला जाता हूँ, 5 लाख रुपए दे। आपने तो 5,000 बोला था। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप सब देखिए नाइट मैनेजर को एंजॉय कीजिए, मैं जाता हूँ सर, मेरा बॉक्सिंग का टाइम हो गया, मेरा जो बॉक्सिंग बैग है वो भी तैयार है। कहाँ पे? बताता हूँ तेरे को, आ जा। नहीं नहीं आ जा, बताता हूँ तेरे को, आ जा। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। लीजिए जी, बोहनी हो रही अनिल सर की फोटो के साथ, विंटेज लंदन स्टेट ऑफ माइंड दिस मंडे, वेरी नाइस पिक्चर अनिल सर। ओहो गाड़ी की नंबर प्लेट पे भी ए लिखा हुआ है। अनिल अनिल कपूर साहब की फोटो बड़ी मजेदार, आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। ये शुरू से ही गाड़ी थी या पहले तोप थी? इस फोटो में सिर्फ लंदन ही विंटेज है, क्योंकि अनिल सर तो आज भी यंग है। सर मैं एक राइटर हूँ, आपको लेके मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें आपके साथ 10 हीरोइन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 हीरोइन से आपको बात करनी है। आइडिया अच्छा लगे तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। और दिखाइए। ओहो क्या बात है कपूर साहब,
Told you, I'll be ready with my bikini body. Wow. Hashtag Monday motivation. Wow. ये तो 6 साल पुराना फोटो है. 6 साल पुराना है? 6-7 साल हो गए. Wow यार क्या बात है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. बिकनी बॉडी तो बना ली, अब अगली फोटो मालदीव से डालेंगे बिकनी पहन के. बॉडी बन जाए तो बंदा मौसम नहीं देखता, कहीं भी कपड़े उतार देता है. अगर इनके घर वालों ने इनकी टी शर्ट के बदले बर्तन ना लिए होते तो इस फोटो में ये अर्ध नग्न नजर नहीं आते. कमर इतनी पतली हो तो पेंट में भारी पर्स नहीं रखना चाहिए, पेंट नीचे खिसक सकती है. और दिखाइए. सोभिता ने फोटो डाला, कचौरी खाओ खुशियां मनाओ, हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आपको जिंदगी भर कचौरी खाना है तो मुझसे शादी कर लो, मेरी कचौरी की दुकान है. ये सोच रही है बची हुई भी खा लेती हूँ, कल एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगी. हाँ तो फिर ठीक है बात. और दिखाइए. तिल गुड़ की जगह आप संक्रांति पे कचौरी खा रही हैं, चॉकलेट डे पर समोसा खाती होंगी. किसी ने उसको रिप्लाई किया, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे बाप का खा रही है. उसको फिर रिप्लाई किया उसने, कहता मैं तो चाहता हूँ मेरे बाप की खाए उनकी बहू बनके. कैसे? बस जिस तरह आप कचौरी को देख रही हैं, मैं चाहता हूँ ऐसे ही एक बार मुझे देख लीजिए. किसी ने रिप्लाई किया, मैंने तेरी फोटो देखी है, तुझे एक ही बार देखा जा सकता है. दिखाइए और आगे. ये तिलोत्तमा जी ने फोटो डाला है, लिखा है जाने मन फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, डोंट बी लेट टार्जन, द ट्री नीड्स प्रूनिंग. वाओ, क्या मतलब इसका? मतलब प्रूनिंग का मतलब थोड़ा सा उसको शेप शेपिंग, हेयर कट प्रूनिंग. अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आई लुक लाइक अ फ्रॉग. टार्जन लेट क्यों होगा, उसको तो कपड़े पहनने की भी टेंशन नहीं होती. मैम आपका अकाउंट हैक हो गया है, कोई उल्टे सीधे कैप्शन लिख रहा है. बंदर इनका फोन लेके ऊपर चढ़ गया है, अब ये डाली हिला हिला कर उसको डरा रही हैं. और आगे दिखाइए. आईज ऑन द प्राइज. आईज ऑन द प्राइज. प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरी आंखें सिर्फ वो मच्छी की आंख देख रही है. हाय हाय क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने से पहले जीरो चेक करते हुए. जैसे ही 100 रुपए मीटर में दिखेंगे वैसे ही गाड़ी रुकवा देंगे. जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त के साथ बाइक पे बैठी दिखे. लगता है ये एड पढ़ रहे हैं विरार में सस्ती दरों में प्रॉपर्टी. और दिखाइए. लो जी अनिल सर, शिमला फोटो डंप. वाओ, कमेंट्स दिखाइए. इनके साथ तीनों लड़के हैं इसलिए शिमला आए हैं, लड़कियां होती तो मालदीव जाते. दूसरा लगता है कि सर बालों के मामले में तो आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है, थोड़े बगल वाले को क्यों नहीं दे देते. मिस्टर इंडिया और कटप्पा साथ में नहाते हुए. चौथा आदमी नहीं मुस्कुरा रहा है, लगता नहाते हुए इसका कच्चा निकल गया. बहुत बार ऐसा होता है स्विमिंग पूल में आप छलांग मारो ना तो अगर इलास्टिक ढीली है तो आदमी बाहर रह जाता है कच्चा. ऐसा इट्स अ प्रैक्टिकल, इट्स अ फैक्ट. ये कौन सी बातें लग गए हम. और दिखाइए. ओहो कपूर साहब वाओ. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. भाई अपना जादूगर भी है. लगता है इनकी पेंट टाइट है इसलिए उठा नहीं जा रहा है. पूरा तैयार होने के बाद जब लड़की कहे मैं नहीं मिल सकती. आदित्य आप बड़े हॉट हो, घर में रहते हो या तंदूर में. कैसे कैसे कमेंट्स देखिए आप. और दिखाइए. सोभिता ने फोटो डाला है. आई चाय ब्रूज आई सिंग इन माई हेड समटाइम्स इवन ओपरा. ऐसे कैप्शन लड़कियों को सूझते हैं. हमारी फोटो थी हम ज्यादा लिखते हैं चाय टाइम. चाय टाइम. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. चाय की तलब है मुझे. हाँ चाय लेके आइए अनिल सर के लिए. चलो पकी आप अनिल सर के लिए चाय ले आ. ब्रेक नहीं होगा चलते बस से सारा कुछ ही आएगा इस बार. आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं. अगर आप मुझसे
चाय के लिए पूछेंगी तो मेरा जवाब पीछे बॉक्स पर लिखा है, है? बॉक्स पर अच्छा यस लिखा हुआ है। आपके लिए एक शेर अर्ज है, जरूरी नहीं सबसे वफा करो, चाय पिलाओ और दफा करो। बहुत अच्छे। अगर कोई सुंदर लड़की आपके मैसेज का देर से रिप्लाई कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें एटीट्यूड है, हो सकता है वो चाय बना रही हो। कहीं ऐसी चाय बनाने वाली मिल जाए तो मैं गांव की जमीन बेच के सारे पैसों की चाय पी जाऊं। वाह देखो आप, और दिखाइए। तिलोत्मा जी ने फोटो डाला है, ए बैम्बू ग्रूव, ए स्पॉट ऑफ सनशाइन, ए स्विंग, ब्लू स्काइज, काफी इंग्लिश है। कमेंट्स देखते हैं। मैडम आप अगर नाराज होकर बैठी हैं तो घर लौट जाओ, इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के कोई मनाने नहीं आएगा। ब्रेकअप के बाद लड़कियां झूले झूल रही होती हैं, लड़के पी के झूल रहे होते हैं। और दिखाइए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके खत्म फोटो। तिलोत्मा एक बात बताइए, आपने किस्सा भी शूट की थी इरफान भाई के साथ जी। मेरे फेवरेट एक्टर हैं इरफान भाई भी। आप पंजाब का कोई मजा आया फिर आपको, आप बंगाल से हैं? बहुत मजा आया। जब थी जो जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी मैं, पंजाबी के क्लासेस थे 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए पंजाबी की क्लास ली आपने? 9 महीने में तो पंजाबी बाप बन जाते हो। तो उसमें कुछ कुछ शब्द थे जो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, खास करके कि पापा जी। पापा जी हाँ। तो उसको मुझे टीचर ने बोला था कि ऐसे होना चाहिए कि कुछ अंदर से पेट से आ रहा है कि पापा जी ऐसे। और फिर और एक शब्द था पालू, पालू, पालू। तो पापा जी पालू करते करते थोड़ा वो मतलब तबीयत खराब हो गई थी, और पर उस फिल्म में इतने बार बोलना पड़ा मुझे पापा जी की, अभी भी सपने में आता है मेरे पापा जी। सपने में आते हैं पापा जी। पर मैंने एक बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं आपके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम थे जी, अभी उसकी वजह से आपको हैं, तो वो किसी ने बोला आपको कि आपको काम नहीं मिल सकता फॉलोअर कम है? बोले कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है सर, पर मैं तो एक्टर हूँ। हाँ एक्टर हैं पर कम फॉलोअर्स हैं। तो मैंने फिर शुरू किया कि हर रोज एक फूल एक पत्ता पोस्ट करती हूँ मैं, मतलब माई फीलिंग गॉट हर्ट यू नो। तो फिर मेरे ऐसे 4,000 हो गए, तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि 4,000 हैं अब मेरे पास। सर हाँ कोई नहीं बेटा नहीं मिलेगा आपको काम। सुभिता आपको कभी इंस्टाग्राम की वजह से काम ऑफर हुआ है? काश इतना आसान होता। नहीं नहीं काश इतना आसान होता, मिलना चाहिए ना। हाँ मतलब इतने फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही पूछा मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है मतलब पैसे। रवि सर ने जावेद जाफरी, नावेद जाफरी साहब के साथ इंडियन टेलीविजन का सबसे पहला डांस रियलिटी शो भूगी भूगी किया था 17 साल। 17 साल वो शो चला। आप देखो आप इंडिया के इतने बड़े टीवी शो के जज बनके उसके बाद आप अलग अलग वेब सीरीज में काम कर रहे हो, फिल्में कर रहे हो। नहीं तो सर मैं कई लोग ऐसे देखें कहीं एक बार जज बन जाते ना उठते ही नहीं है कुर्सी से। हाँ और जो काम कर रहे हैं उनको देख के हंसते रहते हैं, बड़े ऐसे लोग। सर नरसिम्हा से लेके आज ओटीटी पे आप नाइट मैनेजर कर रहे हैं जी, कितना फर्क लगता है आपको? कि सर फर्क ज्यादा नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि एक्टिंग इज एक्टिंग, आप चाहे ओटीटी पे कर रहे हैं या फिल्म्स में कर रहे हैं। बट ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि नाउ आई थिंक द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स दैट कीप इट रियल, राइट? यू नो थोड़ा पहले ओवरबोर्ड जाते थे, वो भी अच्छी बात थी, पर अब क्या है ऑडियंस ने इतना टीवी देख लिया है, राइट? हर लैंग्वेज में देख लिया है कि दे एक्सपेक्ट कि यार थोड़ा नेचुरल रखो तो अच्छी बात है, राइट? तो फर्क सिर्फ इतना है। और आजकल सब टाइम पे आते हैं। अच्छा यस सर, यस। और डिजिटल आजकल चीजें भी नई, टेक्नोलॉजी कितनी नई आ गई है ना, शूटिंग स्टाइल भी बदल गए हैं काफी। यस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मतलब 10 गुना आगे चली गई है। हमारे टाइम पे तो खर वाले कैमरे होते थे और रीटेक से डर लगता था, रीटेक से डर लगता था। यू आर राइट, बोले यार क्या कर रहे हो, रील जा रही है, पैसे लग रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव। पर आज आप करते जाओ, डिजिटल कैमरा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हाँ कुछ ज्यादा रीटेक लेता था ना प्रोड्यूसर, रात को उसके घर जाके पत्थर फेंकता था गुस्से में। तिलोत्मा हमने सुना शूट पे अनिल सर आपको बार बार पूछते थे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या रिस्पांस देती थी इनको? यार मैं बहुत फंस गई थी। उन्होंने एक बार, मैंने बस मैं सीन देखने आई थी कि इनके साथ कभी पहले काम नहीं किया है तो देख लूँ मतलब कैसा है माहौल। दिख गए वो, मतलब उन्होंने देख लिया कि मैं छुपी हुई थी कहीं पीछे, तो आके पूछ लिया उन्होंने सीन कैसा लगा। अब क्या बताएं, इतने सीनियर एक्टर हैं। तो मैंने कहा नहीं अच्छा है, फिर टेक किया, फिर आ गए, अच्छा इस बार आपको क्या लगा?
I was like, यार क्या बोलूँ इन्हें? फिर मैं गायब हो गई वहाँ से और अपने रूम गई, वापस नीचे आ रही थी, वो दिख गए फिर से. अच्छा फिर से मैंने किया तो वो तुमने देखा तो आपको कैसा लगा? तो मुझे लगा यार ये तो अब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे. But I was really nervous, yeah. Uh-huh. I was really nervous. What do you, what kind of feedback do you give to someone who has been entertaining us for decades? Huh? What do you do? अनिल सर आपको पता चल जाता है सामने वाला ये जो कुछ बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? पता आपको सब होता है कि मैंने सीन कैसा किया है, क्योंकि जब तक आपकी मर्जी ना हो कोई क्या कर सकता है आपके सामने? सब कुछ भी नहीं सर आप नहीं, मैं अपने आप को ही देखता हूँ. ये मुझे आपकी बात भी अच्छी लगती है. लोग क्रिकेट खेलने से पहले टॉस करते ना, जो कोई भी ऐसे, हमने सोभिता के बारे में सुना है कि ये मुंबई आने से पहले इन्होंने टॉस किया था. Is it true, Sobhita? Yeah. और अगर सिक्का का दूसरा तरफ आ जाता, फिर आप कहाँ जाती? It was between Mumbai and Bangalore. 12th के बाद, college के लिए. Okay. मुझे बस जाना था कोई ये सब ऐसा big city and 12th तक मैं वाइजाग में थी and I wanted to go to a different place and parents को convince करना था, तो first I had to decide कहाँ जाना है. और अगर सिक्का ऐसे खड़ा हो जाता कहीं फंस के, फिर क्या करती हैं आप? फिर से करती, जब तक वो आंसर ना आए. दोस्तों जैसे अभी मैं सुविधा से बात कर रहा था, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कोई डिसीजन लेने में कि ये करें कि ये करें. आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो एवरीवन. मेरा नाम सुरभि वाधवानी है और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूँ. अच्छा जी. तो ये कोर्स लेकिन मेरी मम्मी ने ना मुझे जबरदस्ती करवाया था. अच्छा. मेरा पैशन था वॉइस एक्टिंग और मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती थी. तो मैंने सोचा ठीक है कोर्स तो मम्मी के हिसाब से कर लेते हैं, करियर तो अपना वही फॉलो करेंगे. अच्छा जी. पर एक्चुअली क्या हुआ, कंफ्यूजन वहां पर आ गया जब मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए जर्नलिज्म में. हाँ मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि यार ये चूज करूं या अपने पैशन को, बिकॉज मीडिया हाउसेज और न्यूज़पेपर वाले मुझे फोन कर रहे थे, जॉब ऑफर कर रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी. तो ऐसा है सर, हमारे घर पे ना बिल्ली बहुत आती है, तो मैंने सोचा किसकी बिल्ली है वो? आई डोंट नो, वो घूमती रहती है और हमारे घर में आ जाती है, दूध पी लेती, पता नहीं बहुत नुकसान कर देती है. अच्छा. तो मैंने सोचा अगर मेरी आवाज में दम है तो इस बिल्ली को डॉगी की आवाज सुना सुना के यहाँ से भगा दूंगी और फिर अपने पैशन को ही फॉलो करूंगी. तो मैंने उसको डॉगी की आवाज सुनाई, उसको भगा दिया एंड पिछले 5 साल से मैं मुंबई में हूँ और प्रोफेशनली वॉइस एक्टर हूँ. अच्छा. अरे वाह. अगर आप चाहे तो मैं एक नमूना पेश करना चाहती. प्लीज प्लीज. अरे वाह आज कितना अच्छा दिन है. हाँ आज तो सूरज भी निकला है, चलो ना चल के कुछ खेलते हैं. क्या मैं बता सकता हूँ कि हम लोग क्या खेलें? हम लोग खेल सकते हैं बास्केटबॉल. तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है, तुम क्या खेलोगे? बास्केटबॉल. तुम सब पहले घर आके खाना खा लो, उसके बाद खेलने की सोचना. ओहो मैंने बहुत बढ़िया पैनकेक और क्लब सैंडविच बनाया है. मैंने घर की पूरी सफाई कर ली है, खाते वक्त कोई भी कचरा मत करना. अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कचरा कर भी लेंगे तो मैं हूँ ना, मैं साफ कर लूंगी. वेरी नाइस. थैंक यू. शादी हो गई आपकी? नहीं शादी अभी नहीं हुई है. अच्छा. वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के करेंगे आप? नहीं मतलब किसी आर्टिस्ट से ही करना चाहूंगी जो मतलब सेम फील्ड में हो, यू नो एनर्जी एक्सचेंज. हाँ पर उसकी आवाज़ थोड़ी निकलने देंगी आप? आप इतनी निकालती हैं मतलब, पर आप बहुत अच्छा करती हैं. बहुत thank बहुत you, sir, धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया जी. और कोई जिनको टीवी पे आने का कीड़ा, आई मीन जिनका कोई ऐसा किस्सा? जी भाई साहब माइक दे दीजिए भाई साहब को. हेलो कपिल सर. नमस्कार सर. हेलो एवरीवन. नमस्कार. मेरा नाम नवीन भाटिया है. नवीन भाटिया जी मैं दिल्ली से आया हूँ. बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब जी. मैं कभी भी कहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना डिसीजन लेने में. हाँ जी. तो मैं अपनी वाइफ की फ्रेंड को फोन करता हूँ. कंफ्यूज के चक्कर में कहीं डिफ्यूज ही ना कर दे वो आपको. नहीं है वो, आपकी वाइफ आई है साथ में? हाँ जी आई है. हेलो. अच्छा जी नमस्ते जी. नमस्ते जी. अच्छा तो आप इनकी फ्रेंड को फोन करते हैं? ये एक्चुअली ना इन लोगों के दिलों के तार कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं. भाटिया साहब ये हमें भी बताओ कैसे करते हैं ये? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी. हम भी करना चाहते हैं रिस्पेक्ट.
नहीं पर कैसे मुद्दों के बारे में आप डिस्कशन करते हैं? एक बारी मैं फंस गया था हैं कहीं 50,000 रुपए लेना था किसी से। अच्छा जी। तो मैंने उसको फोन किया सुबह 7 बजे। अच्छा जी। मैंने कहा मैं तो बहुत फंस गया हूँ, 50,000 रुपए लेने, आपका नेबर ही है। कह रही आओ जाओ, कह दिया आपको 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जी, मिल गए फिर? मिल गए जी, 1 दिन में। क्या बात है। मैंने एक्चुअली पता है क्या है, जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ जी, वो भी डिसीजन उन्होंने दिया था। कितने साल हो गए भाटी साहब आपकी? मेरी शादी को 25 साल हो गए। 25 साल के बाद बीवियां करने देती हैं फोन ऐसे सहेलियों को? मैं आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो उसको मालूम है बहुत अच्छा हूँ। किसको? आपकी वाइफ को मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हूँ। सच्ची में अच्छे हैं कि कभी पकड़े ही नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब, शुक्रिया जी। और कोई हमारे भाई बंधु जी, कोई जी भाई साहब जी? नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? हेलो एवरीवन, ठीक है सर। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। हाँ जी, दिलीप कुमार? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी कहाँ से आए आप? नवसारी, गुजरात से सर। अच्छा जी, जी प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है, ब्रोकिंग करता हूँ मैं, इन्वेस्ट करता हूँ, फिर रीसेल कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ जर्मन शेपर्ड है, डॉगी। जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज हो आप, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि रिंग निकालता हूँ, दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में रखता हूँ, अगर रिंग निकल गई कुत्ते के चाटने से ये हाथ से, हाँ, तो फिर वो डिसीजन ले लेता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे परचेस करनी है। तो सारे डिसीजन कुत्ते ने लेने, तो ऑफिस में उसी को बिठा दो। शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा श्रीमाल है, और मैं कभी भी लाइफ में कंफ्यूज होती हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस में कॉल करती हूँ। आप किसको देख के बात कर रही हैं? मुझे, अच्छा इधर देख रही है, रवि सर की तरफ। रवि सर की तरफ। अच्छा अच्छा, रवि से बात कर रहे हैं। ये कब हुआ? जब आपने देखा। जी मैम, हाँ, तो क्या बोल रही थी आप? तो मैं जैसे ही उनको फोन करती हूँ कि मैं ये चीज करूँ क्या, उनका आंसर अगर नो होता है तो मैं वो 100% करती हूँ, और मैं जरूर सक्सेस पाती हूँ। तो मेरा एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने 7 साल पहले अपनी जर्नी चालू की थी, एंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल अगेंस्ट थे, एंड आई स्टार्टेड, और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। तो जो भी वो ना बोलते मैं 100% करती हूँ। नहीं सर, अरेंज मैरिज है इसलिए। तो उन्होंने पहले आपको मना किया था शादी करने से? सर मुझे गुस्सा था, मैंने उनको 100% दिया था, उन्होंने 80% दिया था, तो मैं अभी तक बदला ले रही हूँ। उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, ऐसा हर पत्नी को लगता है। yes. हालांकि पति होना इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। शुक्रिया मैम शो में आने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।